हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और हम देख रहे हैं क्लास टेंथ ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड का हमारा फर्दर पार्ट, जिसकी शुरुआत करेंगे हम टॉपिक से द प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर जो है वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पेसीज है, की मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पेसीज है फेनल वेब में। फेनल वेब जो है, जो हम फ्लोरा एंड फ्यूना कहते हैं, तो फ्यूना मतलब जो एनिमल्स का वेब है, उसमें उनकी स्पेसीज में, वाइल्ड लाइफ स्पेसीज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो टाइगर ही है। 1973 में अथॉरिटीज़ ने रियलाइज़ किया कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो ड्विंडल होते जा रही है, कम होते जा रही है, जो 1827 हो गई है, जो एस्टिमेट की थी 55,000 एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। मेजर थ्रेट्स जो थे टाइगर पॉपुलेशन को, ये बहुत ही न्यूमरस हो चुके थे, जैसे कि पोचिंग होना, मतलब इनलीगली ट्रेड करना, इनलीगली शिकार करना ट्रेड के लिए, श्रिंकिंग हैबिटेट मतलब उनका रहने की जगह जो थी वो कम होने लगी थी, फॉरेस्ट जो है वो कम होने लगे थे, इसके कारण पॉपुलेशन पर असर हुआ टाइगर्स के। डिप्लीशन हुआ प्रे का, प्रे बेस्ड स्पीसीज जो थी, मतलब जिसके ऊपर टाइगर डिपेंड है, या जिस चीज़ को या जिस एनिमल को टाइगर खाता है, क्योंकि टाइगर जो है पूरी तरह से नॉन वेजिटेरियन है, वो झाड़ फूक जो है ये सब चीज़ें नहीं खाता है, झाड़ फूस की चीज़ें वो नहीं खाता है, वो सिर्फ अदर एनिमल्स को खाता है, तो जिन एनिमल्स के ऊपर वो डिपेंड था उनकी स्पेसीज कम हो गई, इसके कारण टाइगर की पॉपुलेशन कम हो गई, और ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रो होने से भी टाइगर की पॉपुलेशन पर इफेक्ट हुआ। ट्रेड जो है टाइगर की स्किन का, और यूज किया जाता है उनके बोन्स का ट्रेडिशनल मेडिसिन में, स्पेशली एशियन कंट्रीज में, और उसके कारण टाइगर पॉपुलेशन जो है एक्सटिंक्शन की कगार पर आ गई है, या खत्म होने की कगार पर आ गई है। सिंस इंडिया और नेपाल जो थे, ऐसे दो ही कंट्रीज थी जो हैबिटेट प्रोवाइड करती थी या रहने की जगह टाइगर्स को, यहाँ पर सबसे ज्यादा थी, मतलब अबाउट 2/3 जो थी पॉपुलेशन जो सरवाइव हुई थी टाइगर्स की, उसमें से 2/3 पॉपुलेशन सिर्फ इन दो जगहों पर रहती थी या रह रही है। ये दो नेशंस जो हैं ये प्राइम टारगेट बन चुके थे पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग के लिए, मतलब यहाँ पर आज भी लोगों की नज़र में ये दोनों जगह आती हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइगर्स 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन टाइगर की दिखती है। प्रोजेक्ट टाइगर ये वेल पब्लिसाइज्ड किया हुआ वाइल्ड लाइफ कैंपेन था वर्ल्ड में, ये लॉन्च किया गया था 1973 में। शुरुआत में इसने सक्सेस शो किया, जैसे कि टाइगर की पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ने लगी, जो थी 4002 जो 1985 में थी, और 1989 में मतलब नियर अबाउट 4 साल के बाद में वो पॉपुलेशन हो गई 4,334 1993 में। बट इन 1993 पॉपुलेशन जो थी टाइगर की, मतलब अब क्या हुआ 1993 में, 89 के बाद 93 में 4 साल बाद वापस से पॉपुलेशन डाउन हो गई, ड्रॉप हो गई, वो हो गई 3600 के आसपास। और यहाँ पर अबाउट 27 टाइगर रिजर्व्स इंडिया में हैं, जो कवर करते हैं एरिया को नियर अबाउट 37,761 स्क्वायर किलोमीटर का, टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो बनाए गए हैं, जो ना कि सिर्फ ये एफर्ट लेते हैं कि वो सेव कर सके इन स्पेसीज को जो खत्म होते जा रही हैं या एंडेंजर्ड स्पेसीज को, बट इक्वल इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया था मींस ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड, मतलब दूसरे बायोटाइप्स को भी सेव करके रखना या प्रिजर्व करके रखना भी उनका एक मोटो था। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तरांचल में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सिरस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में, परियार टाइगर रिजर्व केरला में, ये कुछ टाइगर रिजर्व्स इंडिया में बनाए गए हैं। कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो है अब फोकस कर रहा है बायोडायवर्सिटी के ऊपर रादर देन फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, कुछ ही चीजों पर ध्यान देने के बदले बायोडायवर्सिटी के ऊपर ध्यान दे रहा है ये हमारा प्रोजेक्ट, और ये बहुत ही इंटेंसिव सर्च कर रहे हैं डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स को लेकर। इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स जो है, शुरुआत में देखो तो इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग, सबसे पहले उन्होंने कंजर्वेशन प्लानिंग में छोटे छोटे इंसेक्ट्स को इन्वॉल्व किया है, और इस नोटिफिकेशन में अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट 1986 कुछ 100 बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स और अदर ड्रैगन फ्लाइज को भी ऐड किया गया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पेसीज में। 1991 में पहली बार प्लांट्स को भी इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया, जो स्टार्ट किए गए 6 डिफरेंट स्पेसीज के साथ में। यहाँ पर हमें न्यूज़ दी है या न्यूज़पेपर का एक कटआउट दिया है, और जो बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्सटेंशन की स्पेसीज थी तो वो क्यों थी या किस कारण थी, वो कुछ यहाँ पर इस
कह सकते हैं पेपर्स के न्यूज़पेपर के कटआउट में हमें दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। किस तरह से क्या क्या टाइप्स हैं और उन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो हमें देखना है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को। इवन इफ वी वॉन्ट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, मतलब ये कि जो कि हम चाहते हैं कि हम कंजर्व कर सकें या बचा के रख सकें इतने बड़े वास्ट में फॉरेस्ट जो हमारे पास है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो है उसे, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, कंट्रोल करना और उन्हें रेगुलेट करना। इंडिया में मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आर आइदर ओन और मैनेज बाय गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। मतलब इंडिया में देखें फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हैं ये ओन किए गए, मतलब खरीदे गए हैं या मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट दे देती है या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दे देती है, और इन्हें क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट स्पेसीज में या कैटेगरीज में। पहला हमारा है रिजर्व फॉरेस्ट। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बिन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। मतलब इंडिया में देखें तो मोर देन जो रिजर्व फॉरेस्ट किसको बोला है, तो जितनी लैंड है टोटल फॉरेस्ट जितना है उतने लैंड में से आधे आधे से ज्यादा लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट कहा गया है या वो रिजर्व की गई है। रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो रिगार्ड करता है मोस्ट वैल्यूएबल को एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न। मतलब जो रिजर्व्ड है वहां पर आपको फॉरेस्ट जो है वो पूरी तरह से कंजर्व होगा, बचा हुआ होगा, और वहां पर वाइल्ड लाइफ रिसोर्स भी होगा या वाइल्ड जो एनिमल्स हैं उन्हें उनका शिकार नहीं किया जाता, उन्हें बहुत अच्छी सिक्योरिटी मिलती है। ये होता है रिजर्व फॉरेस्ट। सेकेंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर में आता है और इसे डिक्लेयर किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। ये फॉरेस्ट लैंड जो है प्रोटेक्ट की जाती है फर्दर डिप्लीशन ना हो इसके लिए। नेक्स्ट है हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट, मतलब जिसे क्लास नहीं किया गया है। ये अदर फॉरेस्ट होते हैं या वेस्टलैंड होती हैं जो गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटीज के साथ बिलोंग करती हैं या दोनों की होती हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान की नहीं होती। रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये रेफर किए जाते हैं परमानेंट फॉरेस्ट इस्टेट के रूप में भी, जो मेंटेन करते हैं पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। मतलब ये दोनों चीजें क्यों बनाई है, रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में हम लोग परमानेंट फॉरेस्ट इन्हें माना जाता है जो जिसे मेंटेन किया जाता है ताकि टिम्बर प्रोड्यूस कर सके, टिम्बर की ट्री आती है तो टिम्बर की ट्रीज जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, और अदर फॉरेस्ट से मिलने वाली चीजें भी जो प्रोड्यूस हमें फॉरेस्ट से मिलती है चीजें वो भी हम और बना सके, उन्हें प्रोड्यूस कर सके, इसलिए ये फॉरेस्ट बनाए जाते हैं, उन्हें रिजर्व या प्रोटेक्ट किया जाता है और दूसरे प्रोटेक्टिव रीजंस के लिए भी। मध्य प्रदेश जो है सबसे लार्जेस्ट एरिया है अंडर परमानेंट फॉरेस्ट, मतलब मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया जो है ये लोकेट रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर में आता है, कॉन्स्टिट्यूइंग 75% ऑफ इस टोटल फॉरेस्ट एरिया। मतलब मध्य प्रदेश में टोटल जितना एरिया है उसमें से 75% एरिया जो है वो रिजर्व या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या गवर्नमेंट के अंडर में आता है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, ये लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पर है टोटल फॉरेस्ट एरिया में। वेयर एज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान में हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मतलब दिया है कि पहले वाले जो ग्रुप स्टेट्स के दिए हैं वहाँ पर ज्यादातर एरिया जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर में आता है, और सेकेंड वाले जो हमें ग्रुप दिए हैं जैसे बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंडर में लैंड ज्यादा आती है फॉरेस्ट की। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है और पार्ट्स ऑफ गुजरात जो है यहाँ पर हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है जो अनक्लास फॉरेस्ट में माना जाता है, जो मैनेज किया जाता है लोकल कम्युनिटीज के थ्रू। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज जो है ये नई नहीं है हमारी कंट्री के लिए, मतलब यहाँ पर कुछ नया नहीं है। हम ऑफन इग्नोर करते हैं इंडिया में कि फॉरेस्ट जो है ये होम है सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज का, मतलब बहुत सारी कम्युनिटीज जो है वो फॉरेस्ट में रहती है, ये चीज़ को हम अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। कुछ एरियाज जो है इंडिया के जहाँ पर लोकल कम्युनिटी जो है वो स्ट्रगल कर रही है कंजर्व करने के लिए उनके हैबिटेट को, मतलब फॉरेस्ट को, क्योंकि वो कम्युनिटीज वहाँ रहती हैं। हम जैसे आदिवासी लोग कहते हैं वो फॉरेस्ट ही ऐसी जगहों पर ही रहते हैं, तो इंडिया में अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ऐसी कम्युनिटीज रहती हैं और वो चाहती हैं कि उनका ये फॉरेस्ट कंजर्व हो सके, उनका ये हैबिटेट कंजर्व हो सके अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसे कंजर्व करना चाहती है और वो कम्युनिटीज वहाँ रहना चाहती है तो वो खुद भी करना चाहती है,
तो वो स्ट्रगल कर रही है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ में मिलकर वो अपने हैबिटेट को या अपने रहने वाली जगह को हैबिटेट को बचा सके या कह सके कंजर्व कर सके, रिकोगनाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, क्योंकि वो जानते हैं कि यही चीज़ जो है उनको जीने की वजह है या उनके जीने के लिए सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है वहां पर विलेजर्स जो हैं ये लड़ रहे हैं माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग, मतलब वहां पर माइनिंग किया जा रहा है उसके कारण जो विलेजर्स हैं उन्हें बहुत सारी मुसीबतें फेस करनी पड़ रही है, जो साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उनके थ्रू हो रही है माइनिंग जिसके लिए विलेजर्स जो हैं वो लड़ रहे हैं। बहुत सारे एरियाज में विलेजर्स खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके हैबिटेट को, एक्सप्लिसिटली रिजेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को। द इनहैबिटेंट्स ऑफ फाइव विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर 1200 हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट एज अ बेरोदेव धाकव सोनचुरी declaring that own sets of rule and regulation which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment। मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ inhabitants जो थे पांच villages के जो अलवर district में आते हैं राजस्थान के, उन्होंने declare किया कि 1200 hectare की जो forest है उनके आसपास में जो 1200 hectare की forest जो है उसे उन्होंने declare कर दिया कि वो 12 hectares की forest जो है उसे भैरोदेव धाकव सेंचुरी नाम से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया और डिक्लेयर किया कि ओन सेट है रूल्स और रेगुलेशंस का, उन्होंने अपने बनाए हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस और वहाँ पर हंटिंग अलाउ नहीं है और वो प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड लाइफ को आउटसाइड एनक्रोचमेंट से, मतलब बाहरी लोग जो आकर उनका शिकार कर रहे हैं उस चीज से उन्हें बचा रहे हैं। स्केट ग्रुप्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीसीज, ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स ये हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट।